नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज, मैं स्वाति। अगली खबर में बात करते हैं डिंडौरी की, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब करंजिया ब्लॉक से कलेक्टर रत्नाकर झा से मिलने पहुंची एक महिला ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। हालांकि कलेक्टर की समझाइश के बाद महिला आग नहीं लगा पाई। बताया जा रहा है कि महिला करंजिया जनपद क्षेत्र की निवासी है, जो कि शासकीय जमीन में झोपड़ी बनाकर रह रही है। महिला खुद का नाम रामकली यादव बता रही है। महिला का आरोप है कि उसका जमीन को लेकर पड़ोसियों से विवाद चल रहा है, जिसके साथ भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार मोंगरे दे रहा है, उसे परेशान कर रहे हैं, जिसके चलते कोई सुनवाई भी नहीं हो रही है। रामकली ने कहा है कि कलेक्टर रत्नाकर झा ने उसे 5 बजे करंजिया में मिलने का आश्वासन दिया है, अगर फिर भी सुनवाई नहीं होती है तो वह दोबारा आग लगाकर आत्मदाह कर लेगी, न्याय नहीं मिला तो जान दे देगी। वहीं महिला ने इसके पहले पूर्व करंजिया थाना में तारा मेहरा, उमा मेहरा, पिंटू मेहरा पर गाली गलौज सहित मारपीट की शिकायत की थी, जिसके बाद करंजिया पुलिस ने तीनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इधर पहले आपने अपने शरीर पर पेट्रोल डाला, कारण क्या? पेट्रोल इसलिए डाली सर, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मैं थाना करंजिया में गई हूँ, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ TI बोलता है कि तहसीलदार करेगा, तहसीलदार बोलता है कि थाने में जाओ, और राजकुमार मोंगरे मंडल अध्यक्ष BJP का है, वो सरेआम खड़े होकर गुंडागर्दी करवाता है और दारू पिलाता है। वहाँ उठता बैठता है दारू पी के और मेरे दीवार को लात मारते हैं, कहता है कि एक महिला है, क्या उखाड़ लेगी, क्या बिगाड़ लेगी, ऐसा करके मुझे बोलते हैं। और निजी जमीन है क्या? नहीं, निजी जमीन नहीं है, शासकीय भूमि है वो, जहाँ वो पक्का मकान बनाए हैं, जस्ट उसके बगल में मेरा रास्ता है, मेरा झोपड़ी है जहाँ मैं रहती हूँ। पेट्रोल अभी आपने किसके सामने डाला, किस अधिकारी के सामने? साहब के सामने डाला, मुझे न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, यही जान दे दूंगी करके मैं अपने ऊपर पेट्रोल डाला। कलेक्टर साहब की प्रतिक्रिया क्या थी आपका पेट्रोल डालने के बाद? सर वो बोले हैं कि 5 बजे तक आप करंजिया पहुंचो और हम आ रहे हैं, आपको पट्टा भी दिलाएंगे और फिर आपका समस्या का समाधान। कितने दिन से काबिज है वहाँ मंडल अध्यक्ष? मैं 6 महीने से सर पीछे लगी हूँ, 6 महीने तक मैं, मेरा सर फूट गया, यहाँ टाँका लगा, CT स्कैन यहाँ हुआ है डिंडोरी में, और उसके बाद फिर मैं वो रख लिए हैं कि उसको मतलब उसका कार्रवाई होगा ताराचंद का। स्थानीय स्तर पे आपने पुलिस से मदद मांगी थी? मदद मैं कई बार रिपोर्ट लिखाई हूँ, जो मैं रिपोर्ट लिखाई हूँ वो रिपोर्ट नहीं लिखा गया है, दूसरा रिपोर्ट उसमें लगा के तहसीलदार के पास भेज दिया गया। तो उससे कोई शिकायत संबंधित आपके पास कोई दस्तावेज है? हाँ सर है, कलेक्टर के साहब, कलेक्टर सर के पास मेरा आवेदन रख लिए हैं सर कि हम अभी 5 बजे आपके पास पहुँचेंगे, 5 बजे के बाद समस्या का समाधान खुद करेंगे, ऐसा करके बोले हैं सर। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से भी कि मैं एक महिला हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए, यदि न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी जान फिर कलेक्टर साहब के पास आके और फिर मैं दोबारा अपनी जान दे दूंगी। मेरा कोई आगे पीछे रोने वाला नहीं है, वो दारू पीकर